हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विंस बेबी को जन्म देते समय होने वाले 10 रिस्क के बारे में, जो कि आपको जरूर पता होने चाहिए, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला रिस्क है, ट्विंस बेबी को जन्म देने के बाद माँ को ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो प्लासेंटल घाव होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा रह जाता है और साथ ही आपका जो गर्भाशय होता है वो भी बहुत ज्यादा फैल जाता है। एंड दूसरा रिस्क है, ट्विन प्रेगनेंसी में जो है प्री मेच्योर डिलीवरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इस बारे में डॉक्टर आपको हमेशा बताने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए आपको ट्विन प्रेगनेंसी होने पर हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रहना है। तीसरा रिस्क है, अगर आपके दोनों ट्विंस बेबी ब्रीच पोजिशन में होते हैं लास्ट टाइम पर या फिर एक बेबी होता है तो ऐसे में सी सेक्शन ही होता है, लेकिन अगर आपको किसी भी कारण बस बच्चों की पोजिशन पता नहीं चलती है और आप वजाइना से नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करती है तो ऐसे में बहुत अधिक टाइम लग सकता है और इसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको लास्ट टाइम पर नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरी कराने से पहले बच्चों की पोजीशन अल्ट्रासाउंड के थ्रू अच्छे से चेक करनी है ताकि लास्ट टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड चौथा रिस्क है, ट्विंस बेबी जन्म के बाद सिंगल बेबी की तुलना में अधिक छोटे हो सकते हैं, फिर चाहे भले ही वो आपके गर्भाशय में नॉर्मल से अधिक टाइम तक रहे हों, लेकिन फिर भी ऐसा होने की संभावना होती है। और इस टाइप के जो बेबी होते हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ जन्म लेते हैं और इसके अलावा उनको जो है कुछ दिनों तक NICU में भी रखने की जरूरत पड़ सकती है। और पांचवा रिस्क होता है इंटरनल बर्जन का। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो है एक बच्चे की ब्रीच पोजिशन में होने की संभावना होती है, तो उसी तरह से एक बच्चा जो है वर्टेक्स पोजिशन में भी हो सकता है। तो ऐसे में जब डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो जब आपका एक बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद में डॉक्टर जो है अंदर जाकर आपके दूसरे बच्चे को घुमा करके उसको सही पोजीशन में लाते हैं या फिर जो है उसको पैरों के थ्रू पकड़ करके बाहर खींचने का प्रयास करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को जो है इंटरनल बर्जन बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा इसमें सी सेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ट्विंस बेबी होने पर डॉक्टर आपको सी सेक्शन कराने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानती हैं और आप नेचुरल तरीके से डिलीवरी कराना चाहती हैं तो बिल्कुल करवा सकती हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों की पोजीशन सही नहीं है तो ऐसे में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं तो पूरी संभावना होती है कि आपको सी सेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए आपको जो है लास्ट टाइम पर अगर आपके दोनों बच्चों की पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी कराने लायक है तभी आप ट्राई करें, अदरवाइज आप सी सेक्शन ही कराएं। एंड इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी होती है तो डॉक्टर जो है बहुत ही बारीकी से बच्चों की निगरानी करते हैं ताकि ये पता किया जा सके कि आपके जो बेबी हैं वो डिलीवरी को संभाल पा रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में ये बहुत ज्यादा संभावना रहती है, खासकर तब जब डिलीवरी में बहुत अधिक लंबा टाइम लग जाता है तो ऐसे में बच्चा जो है एक या फिर दोनों अचानक से किसी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसीलिए आपको जो है लास्ट टाइम पर डिलीवरी का जो डिसीजन है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझकर लेना है। एंड इसके अलावा ट्विंस बेबी होने पर जब आप वजाइना से डिलीवरी कराने का प्रयास करती हैं तो ऐसे में बहुत अधिक संभावना होती है आपको संदंश या सक्शन कप की हेल्प की जरूरत होगी, और यह कप जो होता है वो आपके बेबी को वर्ट कैनाल से बाहर आने में मदद करने के लिए होता है, लेकिन इन दोनों से आपके बेबी को रिस्क या फिर कॉम्प्लिकेशंस होने की भी संभावना हो सकती है। एंड इसके अलावा जब आप अपने ट्विंस बेबी को बिना किसी दवा के स्वाभाविक रूप से जन्म देने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस बीच आपको दवाओं की जरूरत ना पड़े, ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है। ट्विंस में जब आप नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं तो ऐसे में जब आपका एक बच्चा बाहर आ जाता है तो ऐसे में आपका जो दूसरा बच्चा है वो बहुत पीछे नहीं रहता है। ऐसे भी कुछ उदाहरण है कि एक बच्चे के जन्म के बाद जो है आपकी डिलीवरी जो है अपने आप रुक जाती है, तो ऐसे केस में जो है आपके दूसरे बच्चे को बाहर निकालने के लिए दवाओं की आवश्यकता बिल्कुल हो सकती है। ऐसे में जो दवाएं दी जाती हैं तो उनका अपना बिल्कुल रिस्क हो सकता है, तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करें।